रॉयल एनफील्ड के साथ नाता कुछ 10 साल पुराना है। पहले थी 350 क्लासिक, फिर थी क्लासिक क्रोम 500, एंड देन व्हेन इंटरसेप्टर 650 केम इन आई बॉट दैट एज वेल। अब तक तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये बंदा इतना बेकार क्यों है, हमेशा जाके रॉयल एनफील्ड की बाइक क्यों खरीद लेता है। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये थे शर्मा जी 12 साल पीछे, नाइव एंड एग्रेसिव एंड फॉर नो रीजन। वेल आई जस्ट वॉन्टेड टू राइड एंड राइड रियली फास्ट, दैट्स ऑल आई न्यू बैक देन। ऑफिस की बकचोदी से भागने के लिए एक यही टूल था मेरे पास, आई नेम्ड इट ब्लैक पर्ल। या आई नेम माई बाइक्स। पर अब तक हम बाइक तो चलाते थे पर बाइकर नहीं थे। लद्दाख का बैग चाहिए था अब मुझे। एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट लद्दाख बैक देन एंड आई वॉज सो कन्विंस्ड दैट आई वॉन्टेड टू राइड अलोन, बट सम गॉड सेंट पीपल वर ऑल्सो इन फेवर ऑफ गोइंग टू लद्दाख, सो आई टैग्ड अलॉन्ग विद देम। दिस वॉज 2008। आई मीन रोड के नाम पे लंका लगी हुई थी। आई जस्ट फेल डाउन, लॉस्ट कंट्रोल, कुडन्ट पिक अप माय बाइक दो। अरुण एंड गौरव, गौरव स्पेशली वाज प्रीटी हेल्पफुल। आई होप आई विल बी मच मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। सो इन जस्ट टू हॉल्ट्स, वन एट मनाली एंड द अदर एट जिस्पा, आई मेड इट टू ले। मुझे नहीं पता ये मैंने कैसे किया था। Unfortunately, on the way to Kargil near Fortula, Black Pearl broke down, taking my high spirits and enthusiasm along with it. Net, फट के हाथ में आ चुकी थी, ना बंदा था ना बंदे की जात। Fortunately, at this point in time, a truck driver agreed to help me. From here, it was a disappointing commute of which I have no memory of. Few years later, I wanted my wife to see the majestic terrain known as Ladakh. So, backpack करके ready हो गए और लद्दाख की solo trip, couple वाला solo trip, क्या कहते हैं उसको पता नहीं मुझे। But this time, it was Silver Shadow. The bike did not utter a word and we kept going on for hours on these treacherous terrains. I think इधर इस टाइम पर सबकॉन्शियसली मुझे पता था कि मुझे रॉयल एनफील्ड पसंद आ चुकी है। वी बोथ वर इन द अननोन विदाउट एनी सपोर्ट इन साइट। इट्स हियर व्हेन आई रियलाइज दैट द ढुक ढुक ऑफ द बुलेट, व्हिच आई डिडंट रियली लाइक मच, वाज सो रीअश्योरिंग दैट आई कुड जस्ट गो ऑन। इट हैड अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ टॉक, कम्फर्ट एंड रीअश्योरेंस टू कीप गोइंग ऑन no matter how broken or how laden it was. It's not about million BHPs or gazillion NM of torque, but the consistency of both that triggered my bond with Royal Enfield. And yes, they are slow, not best in the name of technology or even handling, but at the end of a long day, it will bring you back home. This is my story about my bond with Royal Enfield. Let me know in the comments about what you guys feel.